चाबी फेंकने का क्या नाटक है राज? यही तो मैं जानना चाहता हूँ माँ। जिसे आपने घर की लक्ष्मी मानकर ये चाबियाँ सौंपी थी, आज अचानक बुराई कैसे आ गई उसमें? बुराई तो मुझ में आ गई है बेटे, लेकिन अब घुमा फिरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। वो इस घर में आएगी और जरूर आएगी, मैं लेकर आऊंगा उसे। अगर गोरी नहीं आएगी तो ये घर घर नहीं रहेगा, और मैं चाह रहा हूं। माँ जी, प्रणाम। माँ जी, जीते रहो बेटा, बैठो। नहीं माँ जी, आप जरा गोरी को बुला दीजिए। गोरी? गोरी तो यहाँ नहीं आई। नहीं आई तो फिर वो कहाँ गई? बात क्या है बेटा? नहीं कुछ नहीं माँ जी, आप यहीं पर है ना, मैं आकर सब बताता हूँ। अच्छा माँ जी, सब खैरियत तो है ना? माँ जी सब ठीक है। वाह यार, हम आ रहे हैं और तुम जा रहे हो। अरे यार, गोरी सुबह के घर से निकली है और अभी तक वापस नहीं आई, और पता नहीं कहाँ गई है। क्या कह रहा है? बड़ा परेशान हूँ यार। अरे तो दिल छोटा मत कर यार, चल जल्दी बैठे। चल जल्दी चल। रज्जो, रज्जो, रज्जो कहाँ है माँ? ये सारी चाल तेरी और भारत की है रज्जो। एक भूखी नंगी बेवा की लड़की को लाकर बिठा दिया मेरी छाती पर, अब ढूंढने गया है उसे। लेकर तो आने दो, थक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। ये घर मेरा है, समझी? घर आपका नहीं है माँ, ये घर तो मेरे बाप का है। क्या? जब आप इस घर में आई थी ना, तो एक फूटी कोड़ी नहीं लाई थी आप? मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना सब कुछ कह जाएगा। यही सब कुछ आपने गौरी से कहा था माँ, और ऊपर वाले ने सब कुछ सुना था। भगवान से डरो माँ, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। राज, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, तू जल्दी से गौरी की तस्वीर ले आ और मेरे साथ चल। कम ऑन रज्जो। जी? हमारे आने तक यहीं रहना, और मान लो पीछे से गौरी आ जाए तो उसे अपने साथ लेकर घर आ जाना। भारत! मुझसे मत उलझना चाची, हम लोगों ने तो चाल चली है ना। भारत, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया मेरे यार। मुझे छोड़ कर चली गई मेरे यार। सुन बाज, एक दोस्त ये आंसू पोंछता, देख घर में हुए झगड़े के बारे में यहाँ कुछ मत बोलना। हाँ, जाने वाला तो चला गया दोस्त, घर में उसकी लाश रोज जाएगी। तू कहे तो मैं सेठ जी को बुला लूं। हाँ सेठ जी को बुला ले, वो बड़े आदमी। ठीक है। थैंक यू इंस्पेक्टर। कल डोली उतरी, उठा जनाजा।
ये सुनसान सड़क राज के घर से कितनी दूर है? सर करीब 6 किलोमीटर। हो, इंस्पेक्टर अजय की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट रॉन्ग साइड है, यानी एबनॉर्मल। यस सर, ये खून भरे टायरों के निशान तो यही बताते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन करो, लाश के पंचनामे की कॉपी और तमाम फोटोग्राफ मिस्टर अजय के साथ मेरे ऑफिस में भेज दो। पता नहीं क्यों यार, मेरा दिल कहता है कि मेरी गौरी अभी मरी नहीं। मैं वकील हूं राज, और वकीलों का दिल नहीं दिमाग बोलता है। तो क्या बोलता है तेरा दिमाग? देख, गोरी लड़कर घर से निकली थी और एक सुनसान सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ, और वो सुनसान सड़क ना उसके घर जाती थी और ना मेरे घर आती थी। तो फिर वो सड़क पर क्या करने गई थी? खुदकशी? खुदकशी करे? ऐसी लड़की भी नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौत ने उसे वहां बुलाया, या फिर कौन उसे वहां ले गया? तुम क्या समझती हो कि यहां धागा बांधने से मेरी तरक्की हो जाएगी? ये धागा नहीं, देवी मां की मन्नत है। चलो हाथ जोड़ो, क्या मांग रहे थे आप? प्यार। बड़े अजीब मत हैं, पूजा में प्यार की नहीं श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। पाप लगेगा आपको। ये जो जीवन है ना, इसका धर्म प्यार है। बस बस, इतना प्यार मत करो मुझे। आरती उठी कांधा दिया दी मैंने आग भी तेरी वफा दिल में सनम जिंदा है आज भी सुनी है ये बाहें मेरी दिल पे मुझको बुला या लौट आ तेरा इंतजार है तेरा इंतजार है तेरा
तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। माँ जी, ये तीन कपड़ा बहुरानी का है, इका पैसा हम ना ले। रामलखन, अब इस साड़ी को तू ही रख ले। ना माँ जी ना, ई कपड़ा तो बहुरानी का निशानी है, ई का रखबाएगा तो आप ही कह गए माँ जी। रामलखन जी, लो ये कपड़े मुझे दे दो। ये लो। ना बेटा ना, ये साड़ी मत ले। लेकिन क्यों माँ, ये साड़ी तो आपने गोरी की सगाई पर उसको सौगात दी थी ना। हाँ बेटे, लेकिन ये साड़ी अब तो मनहूस बनकर रह गई है, इसे पहनने वाली इस दुनिया में नहीं रही, तो इसे रखकर क्या करेंगे। और मैं जब भी इसे देखूंगी तो ये बार बार मुझे बहू की याद दिलाती रहेगी। बेटे मत ले साड़ी तू। माँ खाने पे बुला रही है, भैया आओ ना। मुझे नहीं खाना। फिर माँ को क्या कहूँ। गेट लॉस्ट, सुनानी मैंने क्या कहा है, जाओ माँ के साथ खाना खाओ। क्या हुआ नरेश, चुप क्यों है? समझ गई, तू चिंता मत कर, चल तू तो खाना खा ले। आ पापा दो ना। शाबाश, खाना खा यार। खा ले बेटा, गोरी की याद में कब तक भूखा रहेगा। अरे चाची, आई भी और चल भी दी। मैं तो सिर्फ यही देखने आई थी कि ये कहीं खाना खाता भी है या नहीं। समझे भारत, तो खाना खाना खा, मैं वकील हूँ, सब समझता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, अपना हीरो है, इंडियन सुपरस्टार नरेश। माँ तुम दोनों टीवी देख रहे हो, गोरी को मरे हुए अभी चार दिन भी नहीं हुए। तुम माँ, क्या तुम लोगों को चार दिन के शोक का नाता भी नहीं है। बेटा वो मैं तो, ए टीवी बंद कर, उधर क्या देख रहा है बे, जब मैंने कहा टीवी बंद कर तो बंद कर। बहरा हो गया, सुनाई नहीं देता। राज, तू पागल हो गया है क्या? पागल मैं नहीं, पागल ये हो गया है। तू क्या समझता है, नरेश ने मारा है गोरी को। हाँ हाँ, इसने मारी है गोरी और तुमने मारी है गोरी। माँ अगर उस दिन वो सब कुछ ना होता तो क्यों मरती गोरी और क्यों मुझे अपने पराए लगने लगते। गोरी की बात का इतना मान रखता है तू, तो मेरी भी एक बात का मान रख ले, गोरी को भूल के एक नई जिंदगी शुरू कर ले। माँ जी। हाँ आज तो आपने ये बात कह दी माँ जी, फिर कभी मत कहना मैं गोरी के सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इनकार कर दिया क्या, लड़ाई हो गई क्या? पापा, उसकी बीवी थी, वो मर गई है, मैं उसे भुला नहीं सका। उसने कह दिया कि अब वो किसी का नहीं हो सकता। तू तो इंग्लैंड में जख्मियों को ठीक किया करती थी ना। उनके जिस्म जख्मी होते थे, राज का दिल जख्मी है मामा, प्यार का जख्म खाया है उसने, प्यार का जख्म कभी नहीं भरता। ये तू कहती है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं प्यार का जख्म भरता है,
प्यार से। हाँ, प्यार से। कौन आप? और ऑफिस में? क्यों, मैं ऑफिस में नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये राज, तुम अपने उस प्यार को नहीं भूल सके जो कभी नहीं लौट सकता, फिर मैं अपने उस प्यार को कैसे भूलूं जो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर लौट भी सकता है। कम ऑन, वी आर फ्रेंड्स। ये लो। नहीं ना सही, एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा, खुद परेशान है, कहां से उठूं। लगा कर
की तस्वीर चूमते रहते हैं। किस्मत से शिकवा कौन करे जब किस्मत अपनी बिगड़ गई। मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई, मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई। साज वही आवाज वही एक धुन नगमे से बिछड़ गई। मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई, मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई।